दंतेवाड़ा जिले के थाना बचेली क्षेत्र में बुधवार को रेलवे कॉलोनी में 18 दिन के बच्चे का अपहरण करने का आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि रेलवे कॉलोनी के निवासी छोटी कुंजाम नल से पानी भरने गई थी। जब वो वापस आई तो झूले में उसका 18 दिन का बालक नहीं था। आसपास पता करने पर बालक का कोई पता नहीं चला, जिसके चलते पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर बच्चे की तलाश की। आवेदनकर्ताओं द्वारा बताए जानकारी के आधार पर पुलिस की टीम ने कुछ संदिग्धों को चिन्हित किया। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जगदलपुर से बालक को सकुशल बरामद कर लिया है। वही इस घटना में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। थाना बचेली अंतर्गत रेलवे कॉलोनी में छोटी कुंजाम के घर से एक 18 दिवस के बच्चे का अपहरण की सूचना प्राप्त हुई। जैसी सूचना प्राप्त हुई तत्काल उसमें वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और जिला दंतेवाड़ा एवं जिला बस्तर में नाकेबंदी की गई। जैसा कि उनकी माता ने बताया, उसके अनुसार तत्काल फील्ड यूनिट एवं साइबर सेल एक्शन में आए और मात्र 4 घंटे के भीतर ही हमने बच्चे को बरामद कर लिया। उसकी स्थिति सामान्य, उसे अस्पताल में लेकर गए, उसका ट्रीटमेंट कराए और घटनाक्रम में अपराध थाना बचेली अंतर्गत 43/24 पंजीबद्ध किया गया अपहरण के मामले में। इसमें मुख्य 3 आरोपी हैं। बच्चे के बरामदगी के बाद सुपुर्द करने के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो गाड़ी जो वाहन यूज़ किया उसको जब्त किया गया है और आज न्यायालय पेश किया जाएगा, उस तत्पश्चात जेल भेजा जाएगा।